नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज थ्री 50-65% आरक्षण को लेकर के 3 अक्टूबर 2024 को डेट लिस्ट की गई थी, परंतु अपडेट मैंने आपको शाम को दी थी कि उस दिन सुनवाई आपकी नहीं हुई थी। तो अब क्या अपडेट निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के, सुनवाई को लेकर के, वो बात करते हैं। यहाँ पर द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार में अब एक नई डेट आपका यहां पर अपडेट हो गई है और वो है 16 अक्टूबर 2024 की। अब यहां पर तारीख आज 5 अक्टूबर 2024 की है और आज से लगभग 10 दिन बाद ये तारीख लिस्ट हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तारीख पर भी सुनवाई होती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले लगभग अब तक 7 से 8 बार ये केस ऑलरेडी लिस्ट हो भी चुका है। साथ ही यहाँ पर नंबर भी देखेंगे तो 110 नंबर पर लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, संभवतः यहाँ पर भी चांसेस कम देखने को मिल रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या इस सुनवाई की तारीख को देखते हुए बीपीएससी अपना जो रिजल्ट है उसमें और ज़्यादा लेट लतीफ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट पहले से ही रिजल्ट हो चुका है। अगर ये 16-10-2024 का इंतजार किया गया और दीपावली बीत जाती है, नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट की संभावनाएं बनती हुई देखने को मिलती हैं अगर ये सुनवाई हो जाती है उस कंडीशन में, तो ये मान करके चलिए जो TRE-4 है वो फिर और ज़्यादा समय आपका लेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उपचुनाव भी बिहार में होने वाले हैं, अगर ये और ज़्यादा लेट लतीफ नवंबर तक जाता है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो उसी के आसपास, उपचुनाव के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो पार्टी है उनको फायदा जो है वो मिल सके। और फिर उपचुनाव कंप्लीट होते होते उसका परिणाम निकलते निकलते TRE-4 में फिर और ज़्यादा समय देखने को आपको मिलेगा। बाकी यही था हमारे सोरल अपडेट में, तो प्रश्नों कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है कितना और ज़्यादा लेट आपको देखने को मिलेगा या फिर टाइम पर रिजल्ट बीपीएससी दे देगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।